हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकेंड्रॉन LDCE क्लासेस। सरकेंड्रॉन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुड्स गार्ड, जिसका नया वर्तमान नाम ट्रेन मैनेजर हो गया है, उसके 15% LDCE कोटा के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम जो है पालघाट डिवीजन में हुआ है, जो साउथर्न रेलवे में पड़ता है। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, BPC expand form of BPCs, here 4 option has been given, according to option your answer will be option A, break power certificate। कहता है BPC का full form क्या होता है, तो break power certificate होता है। question number 2, expand form of PSR, here 4 option has been given, according to option your answer will be option C, permanent speed restriction। PSR का जो फुल फॉर्म होता है वह परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है। देखिए, यह एब्रीविएशन से क्वेश्चन पूछा गया है और गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर से रिलेटेड एब्रीविएशन जो है, एक्सपेंड फॉर्म जो है, उस पर भी काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं। आप सरकेंड्रॉन LDCE क्लासेस को विजिट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ RRI, हेयर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, रूट रिले इंटरलॉकिंग। RRI का जो फुल फॉर्म होता है वो रूट रिले इंटरलॉकिंग होता है। देखिए, इसके स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ होते हैं और थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आंसर कर देते हैं, नतीजा क्या होता है कि आप बाद में देखिएगा, अरे ये तो इसका स्पेलिंग ये था, वो आंसर करना चाहिए था। तो इस तरह से ध्यान में भी रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ CRS, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। CRS का जो फुल फॉर्म होता है वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, TSR, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ TSR, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर। TSR का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रेन सिग्नल रजिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ ODC, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ODC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ PLCT, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, पेपर लाइन क्लियर टिकट। PLCT का जो फुल फॉर्म होता है वो पेपर लाइन क्लियर टिकट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ SPI, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर। SPI का जो फुल फॉर्म होता है वो शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, LSS, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ LSS, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, लास्ट स्टॉप सिग्नल। LSS का जो फुल फॉर्म होता है वो लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ SWR, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्टेशन वॉकिंग रूल्स। SWR का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टेशन वॉकिंग रूल्स होता है। जितने भी एब्रीविएशन या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इस पर जो है वीडियोज बने हुए आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ BPSE, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्लॉक प्रोवाइडिंग एक्सेल काउंटर्स। BPSE का जो फुल फॉर्म होता है वो ब्लॉक प्रोवाइडिंग एक्सेल काउंटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ SPART, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। SPART का जो फुल फॉर्म होता है वो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ GWR, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, गेट वॉकिंग रूल्स। GWR का जो फुल फॉर्म होता है वो गेट वॉकिंग रूल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ LSB मीन्स, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, लिंक होपमैन बुश। LSB का जो फुल फॉर्म होता है वो लिंक होपमैन बुश होता है। क्वेश्चन नंबर 15, POH मीन्स, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, पीरियडिकल ओवरहॉलिंग। POH का मतलब होता है पीरियडिकल ओवरहॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ FOIS, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। FOIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ SPARD,
According to option, your answer will be option A, signal passed at danger. इस part का जो full form होता है वो होता है signal passed at danger. Question 18, what is the full form of DV? Here four options has been given. According to option, your answer will be option C, distributor valve. DV का जो full form होता है वो होता है distributor valve. Question 19, what is the full form of RDSO? According to given option, your answer will be option A, Reserves Design and Standard Organization. RDSO का जो full form होता है वो होता है Research, Design and Standard Organization. From friends, where is the headquarter of RDSO? Please give the answer in the comment box. Question 20, what is the full form of ROH? Here four options has been given. According to option, your answer will be option D, routine overhauling. Routing overhauling, ROH का जो full form होता है वो होता है routine overhauling. Next question, select the most appropriate answer. Question number 21, UNIMAT is AN. Here four options has been given. According to option, your answer will be option A, engineering machine. कहता है UNIMAT क्या है, तो यह एक engineering machine है. Question number 22, gate signal is identified with. According to given option, your answer will be option B, G marker. कहता है gate जो signal होते हैं उसको किससे पहचानते हैं, तो G marker द्वारा पहचाना जाता है. Question number 23, which one of the following is not a stop signal? According to option, your answer will be option C, distant. कहता है निम्नलिखित में से कौन सा stop signal नहीं है, तो वो distant है. Question number 24, the Excel counter shall be reset only after ensuring that the monitored portion is. According to option, your answer will be option A, vacant. कहता है Excel counter को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही reset किया जाता है कि monitor जो है वो खाली किया गया हिस्सा है, तभी वो Excel counter को reset किया जाएगा. अगर vacant नहीं है तो नहीं किया जाएगा. Question number 25, last vehicle indicator during night cell. Here four options has been given. According to option, your answer will be option C, red flashing light. कहता है रात के दौरान जो अंतिम वाहक जो संकेत वाहन जो संकेतक होते हैं वो क्या होते हैं, तो रेड फ्लैशिंग लाइट होते हैं. आप जब भी रात में देखते होइएगा जो भी गाड़ियां चलती हैं, तो उसके लास्ट जो बोगी होते हैं जो गार्ड के साथ होते हैं, उस पर रेड लाइट, एक रेड लाइट जो है एक लाल चमकती रोशनी जो है फ्लैश करती रहती है, वो बताता है कि गाड़ी का जो है लास्ट ये बोगी व्हीकल है. क्वेश्चन 26, when SM receives an advice of hot axle on a train, the train shall preferably be received on. According to option, your answer will be option C, main line. जब SM को यह सूचना मिलता है कि ट्रेन में हॉट एक्सल की जानकारी मिलती है, तो इस कंडीशन में जो ट्रेन जो होते हैं जनरली SM जो है इस सब ट्रेन को जो है मेन लाइन में जो है रिसीव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, द स्पीड ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन सेल नॉट एक्सीड. हेयर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 15 kmph. कहता है शंटिंग का जब काम होता है, शंटिंग ऑपरेशन जब होता है, तो उस दौरान जो ट्रेन की गति होती है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 28, स्लिप साइडिंग इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट. Here four option has been given and according to option, your answer will be block section. Slip siding जो होता है वो block section का बचाव करता है, रक्षा करता है. Question number 29, there are how many chapters in GRS? According to option, your answer will be option B, 18. GRS में जो है 18 chapters हैं, 18 अध्याय हैं. Question number 30, GRS issued by. According to option, your answer will be railway board, option C. GRS जो है railway board द्वारा जारी किया जाता है. Question number 31, calling on signal is identified by. Here according to option, your answer will be option C, C marker. Calling on signal को जो है C marker द्वारा पहचाना जाता है. जिस signal पर C लगा हो समझ जाइए कि यह calling on signal है. Question number 32,
The speed of hand shunting shall not exceed. According to option, your answer will be option A, 5 kmph. कहता है हस्त संटिंग जो होता है, हैंड जो संटिंग होता है, उसमें जो गति होता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा का नहीं हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 33, संटिंग ऑर्डर फॉर्म नंबर इज, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, T-bar 806. कहता है संटिंग ऑर्डर जो फॉर्म होता है उसका नंबर जो होता है वो T-bar 806 होता है. क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लैट टायर. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, रेल फ्रैक्चर. कहता है फ्लैट टायर का क्या प्रभाव हो सकता है, तो रेल फ्रैक्चर हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35, BVZI इज व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल. हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 8-wheeler brake van. BVZI जो होते हैं वो 8-wheeler brake van होते हैं. क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द टाइप ऑफ ACCW कोच. हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, AC2 टायर. ACCW जो कोच होते हैं वो AC2 टायर कोचें होती हैं, LSV कोच है ये. क्वेश्चन नंबर 37, कॉलिंग ऑन सिग्नल इज ए. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सब्सिडियरी सिग्नल. कॉलिंग ऑन जो सिग्नल होते हैं वो सब्सिडियरी सिग्नल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 38, CVC मीन्स. आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेंट्रल बफर कपलिंग. CVC का जो मतलब होता है, तात्पर्य होता है, फुल फॉर्म होता है वो सेंटर बफर कपलर होता है. क्वेश्चन नंबर 39, विसिल कोड टू इंडिकेट ट्रेन पार्टिंग इज. एयर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट. सिटी विसिल कोड जो होता है ट्रेन पार्टिंग का, उसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा. देखिए तो ये सब बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं और इस पर जो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसी से ये सब क्वेश्चन भी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40, कैश साइडिंग प्रोटेक्ट्स विच सेक्शन. आंसर विल बी ऑप्शन ए, स्टेशन. कैच साइडिंग जो है स्टेशन का बचाव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41, फॉर्म नंबर फॉर रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर इज. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, T-bar B409. कहता है रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है, तो वो होता है T-bar B409. क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टैंक टाइप वैगन. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, BLCA. कहता है BLCA जो है वह टैंकर टाइप वैगन नहीं है, बाद बाकी जितने भी है वो सब के सब क्या है, टैंकर टाइप वैगन है. क्वेश्चन नंबर 43, नील कॉशन ऑर्डर इज इन फॉर्म. आंसर विल बी ऑप्शन बी, T-bar A409. कहता है नील कॉशन ऑर्डर जो होता है, शून्य सावधानी जो आदेश होता है, वो होता है फॉर्म T-bar A409 में. क्वेश्चन नंबर 44, चैप्टर 11 ऑफ GRS रिलेटेड टू. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, पायलट गार्ड सिस्टम. कहता है GRS का जो चैप्टर 11 है वो पायलट गार्ड सिस्टम से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 45, चैप्टर 14 ऑफ GRS रिलेटेड टू. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्लॉक वॉकिंग. GRS का जो 14 चैप्टर है वो ब्लॉक वॉकिंग से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 46, चैप्टर 8 ऑफ GRS रिलेटेड टू. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम. GRS का जो चैप्टर 8 है, अध्याय 8 है, वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 47, चैप्टर 9 ऑफ GRS रिलेटेड टू. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम. GRS का चैप्टर 9 जो है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी डिविजन्स आर इन साउथर्न रेलवे. साउथर्न रेलवे में कितने जोन हैं. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन 6, साउथर्न रेलवे में 6 डिवीजन है. क्वेश्चन नंबर 49, द फॉर्म फॉर ब्लॉक टिकट टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर इज. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, T-bar A602. कहता है लाइन क्लियर के बिना आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक टिकट जो जारी किया जाता है वो कौन सा है, तो T-bar A602 है. क्वेश्चन नंबर 50, BO Action Wagon इज. हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन. अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओपन वैगन. BO Action जो वैगन होता है वो ओपन वैगन होता है.
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग जो पालघर डिवीजन में हुए हैं गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर का 15% LDC कोटा के अंतर्गत जो क्वेश्चन हुआ है उसके फर्स्ट पार्ट में ये 50 क्वेश्चन देखे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कन ड्रोन LDC क्लासेस।